क्या होगा अगर कोई सिपाही जंग में बिना हथियार चला जाए तो? क्या वो जंग को जीत पाएगा? क्या वो अपने साथियों को बचा पाएगा? क्या वो खुद उस जंग से जिंदा लौट पाएगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की कहानी में हमें मिलने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं हैक्सॉ रिज इस फिल्म की कहानी। कहानी शुरू होती है वर्जीनिया अमेरिका से। यहाँ एक परिवार रहता है। इस परिवार में डेजमंड डॉस रहता है, उसका भाई और उसके मम्मी डैडी रहते हैं। डेजमंड डॉस के पिताजी वर्ल्ड वॉर 1 में युद्ध लड़ चुके हैं। उन्होंने उस युद्ध में अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया है, लेकिन उस युद्ध में इन्होंने अपने 3 अजीज दोस्तों को भी खोया है। इसलिए वो नहीं चाहते कि अगर फिर कभी युद्ध होता है तो उनके परिवार में से कोई भी सदस्य उस युद्ध में शामिल हो। एक दिन डेजमंड डॉस उसके भाई से लड़ाई करता है और इस दौरान डेजमंड उसके भाई को बहुत ज़ोर से मारता है। उसका भाई बेहोश हो जाता है। इस बात से डेजमंड को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत अफसोस होता है। डेजमंड के पिता शराबी हैं। वो रोज़ रात को शराब पी के आते हैं और उसकी माँ को मारते और पीटते हैं। ओवरऑल डेजमंड का बचपन घरेलू हिंसा से भरा हुआ था। अब डेजमंड बड़ा हो चुका है। वो भगवान में बहुत भरोसा करता है और हमेशा एक छोटी सी पॉकेट बाइबल अपने साथ रखता है। हर शनिवार को वो भगवान की प्रार्थना करता है और शनिवार को कोई भी काम नहीं करता। एक दिन डेजमंड चर्च में सफाई कर रहा था, तभी उसका फ्रेंड बाहर जो काम कर रहा था उसका एक्सीडेंट होता है और उसे चोट लगती है। उसको लेके वो हॉस्पिटल पहुँचता है और उस हॉस्पिटल में उसे एक खूबसूरत नर्स दिखती है। उस नर्स को देख के वो खुश आ जाता है और उसके पास चला जाता है। उस नर्स का काम था कि जो लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं उन लोगों का ब्लड लेना, तो डेजमंड भी अपना ब्लड उसे दे देता है। दूसरे दिन फिर से वो डोरोथी के पास पहुंचता है और उसे अपना ब्लड वापस मांगता है और इसी बहाने वो उसे प्रपोज करता है। उस दिन वो दोनों डेट पर भी जाते हैं। इस तरीके से इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है। जापान और अमेरिका के बीच में जंग शुरू हो चुकी है और इस समय पे आर्मी को सैनिकों की सख्त ज़रूरत है। इनके गांव और शहर का हर इंसान जंग में जाना चाहता है, अपने देश के लिए अपना योगदान देना चाहता है। डेजमंड और उसका भाई भी जंग में जाना चाहता है, लेकिन डेजमंड के पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं इस बात को सुन के। वो अपने बेटों को इस जंग में खोना नहीं चाहते, पर डेजमंड ने ठान लिया है कि वो भी इस जंग का हिस्सा बनेगा। पर डेजमंड हिंसा में यकीन नहीं करता। वो अपना योगदान एक डॉक्टर बनके मेडिक के तौर पे अपने देश के लिए देना चाहता है। सारे लोग जंग में एक दूसरे की जान लेने में लगे होंगे, लेकिन डेजमंड लोगों की जान बचाने में लगा होगा। फिर डेजमंड आर्मी कैंप जाने के लिए निकलता है और जाते समय डोरोथी उसे अपनी एक पॉकेट बाइबल देती है और उसमें अपनी एक फ़ोटो भी देती है। वहाँ पहुँचकर यूनिट के सारे लोग उसे चिढ़ाते हैं कि हवा से बच के रहना, कहीं तुम उड़ के ना जाओ, क्योंकि डेजमंड बहुत पतला है। कैंप में रहकर डेजमंड अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से पूरी करता है और अब बारी है बंदूक उठाने की। लेकिन डेजमंड बंदूक उठाने से मना करता है क्योंकि वो हिंसा में यकीन नहीं करता। वो लोगों को मारने के लिए जंग में नहीं जाना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने के लिए जंग का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन इस बात से आर्मी के ऑफिसर्स को ऑब्जेक्शन है। सबके सामने फील्ड पे वो डेजमंड को बहुत अपमानित करते हैं। दूसरे ऑफिसर्स उसे मनोरुग्ण साबित करके आर्मी से निकालने की धमकी भी देते हैं, लेकिन डेजमंड अभी भी अपने आप पे यकीन करता है और बंदूक नहीं उठाता। डेजमंड के यूनिट में स्मिटी नाम का एक आदमी है। वो डेजमंड का मजाक उड़ाता है, उसके पतले होने का मजाक उड़ाता है, उसके पॉकेट बाइबल का भी मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि डेजमंड की गर्लफ्रेंड का भी मजाक उड़ाता है। लेकिन बदले में डेजमंड उसे कुछ नहीं कहता। ये देखकर वो सबके सामने उसे मारता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी डेजमंड जब उसे पलट के जवाब नहीं देता तो उसे कायर कह के वो चला जाता है। दूसरे दिन डेजमंड का एक मनोवैज्ञानिक द्वारा टेस्ट भी लिया जाता है उसे मनोरुग्ण साबित करने के लिए, लेकिन डेजमंड डॉस पूरी तरीके से मानसिक रूप से ठीक है। उन्हें मनोरुग्ण घोषित करके आर्मी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। सजा के तौर पे डेजमंड से टॉयलेट साफ करवाया जाता है। उससे बहुत मेहनत और बहुत कसरत करवाई जाती है। उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है ताकि वो कैंप छोड़ के घर चला जाए, और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डेजमंड बंदूक नहीं उठाना चाहता।
एक दिन आधी रात में उसके यूनिट के कुछ लोग उसे बहुत मारते हैं और दूसरे दिन सार्जेंट वहां आके डेजमंड से यूनिट छोड़ के कैंप छोड़ के चले जाने के लिए कहता है, लेकिन डेजमंड नहीं मानता। वो वहीं पे रहना चाहता है और जंग का हिस्सा बनना चाहता है। वो उन लोगों के नाम भी नहीं बताता जिन लोगों ने उसे रात में पीटा था। कुछ दिनों बाद डेजमंड डॉस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और जंग पर जाने से पहले वो डोरोथी से शादी करना चाहता है, इसलिए वो छुट्टी मांगता है, लेकिन उसकी छुट्टी नामंजूर की जाती है और तो और उसे जंग में जाने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। उसका सीनियर ऑफिसर उसे बंदूक उठा के दिखाने के लिए कहता है, लेकिन डेजमंड डॉस नहीं मानता। वो कहता है, मैं बंदूक नहीं छू सकता। तब उसे ऑफिसर कोर्ट मार्शल की धमकी देता है और उसे कस्टडी में लेता है। डोरोथी डेजमंड का शादी के लिए इंतज़ार कर रही है, लेकिन डेजमंड नहीं पहुंचता क्योंकि उसे आर्मी वालों ने कस्टडी में रखा है। अगले दिन डोरोथी डेजमंड से मिलने के लिए जाती है और वो उसे गिव अप करने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम बंदूक मत चलाओ, सिर्फ हाथ में उठाओ, अगर तुम जेल में चले गए तो किसे बचाओगे। लेकिन अभी भी डेजमंड अपने आप पर भरोसा करता है, ईश्वर में भरोसा करता है। वो ऐसा करने से मना करता है। ये सारी बातें डोरोथी डेजमंड के मम्मी डैडी को भी बताती है। ये सब सुनने के बाद डेजमंड के डैड आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं। वो ऑफिसर डेजमंड के डैडी का फ्रेंड है जो World War I में इन्हीं के साथ युद्ध लड़ा था। फिर डेजमंड पे मुकदमा चलाया जाता है कि उसने अपने ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार किया है। इस मुकदमे में उसे दोषी ठहराकर कोर्ट मार्शल किया जाने वाला है। लेकिन तभी डेजमंड के डैडी एक लेटर लेकर वहां पहुंचते हैं और इस लेटर में लिखा था कि डेजमंड बिना बंदूक के युद्ध के मैदान में अपनी सेवा दे सकता है एक मेडिक के तौर पर, और नीचे आर्मी के सबसे बड़े कमांडर के हस्ताक्षर थे जो युद्ध के बारे में निर्णय लेते हैं। इस लेटर के बाद डेजमंड पे लगाए गए सारे आरोपों को वापस लिया जाता है और युद्ध में जाने की मंजूरी दी जाती है। युद्ध पर जाने से पहले वो डोरोथी से शादी भी करता है। डेजमंड और उसका यूनिट जंग के मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक के बाद एक कई सारे ट्रक दिख रहे हैं जिसमें लाशों के ढेर है, लेकिन सारे सैनिक इतने खुशकिस्मत नहीं है कि वो जिंदा या मुर्दा अपने घर तक पहुँच पाएंगे। अभी भी कई सारे सैनिक मृत अवस्था में जंग के मैदान पर ही पड़े हुए हैं, जिनको कीड़े और चूहे खा रहे हैं। ये सब नज़ारा देख के इनको भी लग रहा है कि क्या हम भी जिंदा लौट पाएंगे। इनकी जंग का मैदान समंदर के किनारे से थोड़ा ऊपर है और वहाँ पे इनका दुश्मन मतलब जापानी सेना है। इससे पहले ये 6 बार हमला कर चुके हैं, लेकिन हर बार नाकामयाब हो चुके हैं। अब 7वीं बार डेजमंड और उसकी यूनिट ऊपर चढ़ने वाली है जापानी सैनिकों पर हमला करने के लिए। ऊपर का नज़ारा देखकर सब लोगों का दिल दहल जाता है। सारे जापानी सैनिक अपने बंकर में छुपे हुए हैं क्योंकि अमरीकी सैनिक हवाई हमला कर रहे हैं। ये सब लोग ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। अभी ऊपर चढ़े भी नहीं थे कि खून टपकना शुरू होता है। वहाँ ऊपर सिर्फ आग और धुआं है और ज़मीन पर खून से लथपथ अनगिनत लाशें हैं। तभी इन लोगों पर जापानी सैनिक हमला करते हैं और इनके और दुश्मन के सैनिक घायल होने लगते हैं और मरने लगते हैं। इस दौरान मेडिक के तौर पर डेजमंड अपनी सेवा देना शुरू करता है। अमरीकी सेना बहादुरी से आगे बढ़ती है और दुश्मन के 2 बंकर तबाह करने में कामयाब हो जाती है। इसी बीच डेजमंड स्मीटी को दुश्मनों से बचाता है। ये वही स्मीटी है जिसने कैंप में डेजमंड को मारा था। फिर से डेजमंड अपने काम में जुट जाता है। वो एक सैनिक को बचा रहा था, तभी वहाँ पे एक दूसरा मेडिक आता है और डेजमंड से कहता है कि इसे मॉर्फिन दे दो और आगे बढ़ो क्योंकि ये नहीं बचने वाला। लेकिन डेजमंड यहाँ किसी को मरने के लिए छोड़ने नहीं आया है, बल्कि यहाँ लोगों को बचाने आया है और वो यही कर रहा है। वो उस घायल सैनिक को उठाता है और नीचे इलाज के लिए कैंप में भेजता है। उसे नहीं पता कि कौन जिंदा रहेगा या कौन मरेगा। उसका काम है कि लोगों को यहाँ से उठाओ और इलाज के लिए नीचे भेजो, और वो यही कर रहा है। लड़ते लड़ते, गोली बारूद चलाते चलाते और मरते मारते अब रात हो चुकी है। सब लोग थक चुके हैं, अंधेरे में थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, लेकिन डेजमंड अभी भी घायल लोगों को नीचे भेजने में लगा हुआ है। वो आराम नहीं करता, वो अपना काम जारी रखता है। लेकिन इस बार स्मीटी उसकी मदद करता है घायलों को बचाने के लिए, और देर रात साथ में आराम करते हैं। इस जंग के माहौल में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और स्मीटी डेजमंड से माफ़ी मांगता है।
दूसरे दिन सवेरा होते ही जापानी लोग अपने बंकर से बाहर निकलकर इन लोगों पे हमला करना शुरू करते हैं और इनके बहुत सारे लोग घायल होने लगते हैं और बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। अब अमेरिकी सेना के पास वापस लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। तभी ये लोग हवाई हमला मंगाते हैं और अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में शिप्स वहां पे हवाई हमला शुरू कर देती है। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन डेजमन अभी भी घायलों को बचाना चाहता है। इसी बीच स्मिटी को गोलियां लग जाती है। डेजमन स्मिटी को अपने पतले शरीर लेकिन बहादुर कंधों पे उठा के भागने लगता है, पर अब देर हो चुकी है। स्मिटी मर चुका है। सारे लोग नीचे उतर कर कैंप की तरफ लौटने लगते हैं, पर ये सब नज़ारा देखकर और स्मिटी को मरा हुआ देखकर डेजमन बहुत भावुक हो चुका है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी उसे धुएं में से आवाज़ आती है, मेडिक बचाओ, और वो उस आग में उस धुएं में गायब हो जाता है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जो मदद मांग रहा था। उसे वो खींच के लाता है। तभी एक और आदमी उससे मदद मांगता है। तब वो उसे मॉर्फिन देता है और पहले आदमी को रिज के पास लेके आता है। लेकिन अब अकेला यहाँ से इस आदमी को नीचे कैसे ले जाएगा। तब उसे एक रस्सी दिखती है और उस रस्सी को बांधकर वो धीरे धीरे उसे नीचे भेजने लगता है। वहाँ पे पहारा देने वाले दो सैनिक उसे देख लेते हैं और रस्सी से छुड़ा के कैंप में इलाज के लिए लेके जाते हैं। फिर वो दूसरे घायल सैनिक को भी इसी तरीके से नीचे भेजता है, फिर तीसरे सैनिक को भेजता है, फिर चौथे सैनिक को भेजता है। इस तरीके से एक के बाद एक वो जितने भी सैनिक घायल वहां मिलते हैं सबको नीचे भेजने लगता है। और इसी दौरान हवाई हमला भी बंद हो जाता है और जापानी सैनिक अपने बंकर से बाहर निकल के जो लोग घायल है लेकिन जिंदा है उन्हें मारने लगते हैं। डेजमन उन्हें देखकर छुप जाता है। वो लोग वहां से जाने के बाद फिर से वो अपने काम में जुट जाता है और कुछ लोगों को वो बचा के नीचे भेजने में कामयाब होता है। लेकिन अब जापानी लोगों ने डेजमन को देख लिया है और वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तब वो एक सुरंग में जाके छुपता है और ये सुरंग उन्हीं के बंकर में जाती है। वहाँ वो छुपते छुपते बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब वो छुपा हुआ था तब उसे एक घायल जापानी सैनिक दिखता है। उसे भी वो मॉर्फिन देता है और बैंडेज देता है और वहाँ से निकल आता है। अब अंधेरा हो गया है और अभी भी डेजमन अकेला ऊपर घायलों को बचा रहा है। वो ऊपर से लोगों को रात भर नीचे छोड़ रहा है, एक के बाद एक उसके यूनिट के बहुत सारे लोगों को नीचे छोड़ रहा है और तो और जापानी लोगों को भी वो नीचे भेज रहा है। वो थक के चूर हो गया है, उसके हाथ छिल चुके हैं, उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। लेकिन अभी भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, एक और को बचाने में मदद करो। और वो फिर से उठ के अपने काम में जुट जाता है। पूरी रात डेजमन अपने साथियों को नीचे भेजता रहा एक के बाद एक। अब सवेरा हो गया है लेकिन अभी भी डेजमन लोगों को बचा रहा है। अब उसे उसका साजन भी दिख चुका है और उसकी टीम का एक बॉडी बिल्डर भी उसके साथ है। वो उस बॉडी बिल्डर को भी अपने कंधों पे उठाता है और रिज से नीचे छोड़ता है। अब बारी है सार्जेंट को बचाने के। लेकिन अब तक जापानी लोगों ने उसे देख लिया है और उसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। जापानी लोगों की गोली उसके हेलमेट को छूकर निकल जाती है। धीरे धीरे वो अपने सार्जेंट के पास पहुँच जाता है। सार्जेंट को खींचते हुए वो ले जाता है रिज की तरफ और सार्जेंट उसे कवर देता है। इस तरीके से वो रिज तक पहुंचते हैं और सार्जेंट को वो रस्सी से नीचे भेजने में भी कामयाब होता है। लेकिन फिर से उसे एक आखिरी सैनिक दिखता है जो घायल है और मदद के लिए पुकार रहा है। उसे वो रस्सी से बांधता है और उसके साथ वो खुद भी नीचे कूदता है। नीचे से बाकी सैनिक उसे कवर देते हैं और इस तरीके से डेजमन भी खुद जिंदा वापस लौटाने में कामयाब होता है। अब तक डेजमन ने 75 सैनिकों की जान बचाई है। वो सबका हीरो बन चुका है। 75 लोगों की जान उसने अकेले ने बचाई है। डेजमन इन सभी बंदूकधारी सिपाहियों से कई गुना ज्यादा बहादुर निकला। बिना बंदूक और बिना हथियार के वो लोगों की जान बचा के अमेरिका का सबसे बहादुर सिपाही बन चुका है। उसके शरीर की बनावट ऐसी है जिसे आर्मी में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसके हौसले, आत्मविश्वास और ईश्वर पे भरोसा, ये सब किसी भी बाहरी दिखावटी बहादुरी से कई गुना ज्यादा निकले। अगले दिन शनिवार है और शनिवार को डेजमन प्रार्थना करता है। इस दिन वो कोई काम भी नहीं करता, लेकिन उसके यूनिट के सिपाही उसके बिना लड़ाई पे जाना नहीं चाहती।
वो ऊपर सिर्फ डेजमन के साथ ही जाना चाहते हैं। डेजमन अपनी पॉकेट बाइबल हाथ में लेता है और शनिवार की प्रार्थना करता है। उस दौरान उनकी यूनिट डेजमन का इंतजार करती है। अब वो लोग ऊपर जाते हैं और सभी लोग बहादुरी से अपना काम करने लगते हैं। इसी बीच अपने साथियों को एक बम से बचाते हुए डेजमन का पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है और बाकी सैनिक उनको नीचे भेजने लगते हैं। तभी डेजमन अचानक से कहने लगते हैं, मेरी बाइबल, मेरी बाइबल। सैनिक उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको कैंप में दूसरी बाइबल मिल जाएगी। लेकिन डेजमन को उन्हीं की बाइबल चाहिए थी क्योंकि उन्हें वो उनकी पत्नी ने दी थी और उनका एक साथी उस युद्ध भूमि में बम के धमाके और गोलियों के बारिश के बीच में लाशों के ढेर में एक छोटी सी पॉकेट बाइबल ढूंढने जाता है और वो छोटी सी पॉकेट बाइबल जो डेजमन की है उसे वो ढूंढ लेता है और फाइनली अपनी बाइबल लेके डेजमन नीचे आते हैं। और इस दिन जंग का आखिरी दिन था। अमरीकी सेना जंग जीत लेती है। डेजमन डॉस जंग में गोली बारूदों के बीच साहस दिखाने के लिए सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। डेजमन डॉस और डेरोथी आखिर तक साथ में रहे। डेरोथी का निधन एक कार एक्सीडेंट में 1991 में हुआ था और डेजमन का दुखद निधन मार्च 2006 में हुआ था। तब वो 87 ईयर के थे। आज भी उनके साथी जिनकी जान उन्होंने बचाई है वो डेजमन डॉस के शुक्रगुजार हैं। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म देखते समय आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा, क्या जंग सच में ज़रूरी है? इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1। इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइए कि आप कौन सी फिल्म की स्टोरी जानना चाहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।